बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आपको पता है वर्कशॉप कुछ प्रोग्राम्स की अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टार्ट हो गई हैं और कुछ प्रोग्राम्स जो है आने वाले दिनों में आपके लिए स्टार्ट किए जा रहे हैं। उस हवाले से मैं आपको आज सिखाऊँगा कि आप किस तरह अपनी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, आप किस तरह अपनी हाजिरी लगवा सकते हैं और किस तरह अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो अपने ट्यूटर से किस तरह पूछ सकते हैं। तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो दावा है वो कहते हैं कि हमने इस दफ़ा बहुत अच्छे और काबिल ट्यूटर्स को हायर किया है ताकि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल सके। तो दोस्तों, आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा। इधर स्क्रीन शॉट भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह आप लॉग इन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पासवर्ड आई होप के डिलीवर कर दिया होगा मैसेज के थ्रू यूनिवर्सिटी ने। उसमें भी ये है कि अगर आपको मैसेज नहीं मिला तो आप क्या कर सकते हैं, अगर मैसेज आपके पास डिलीट हो गया तो क्या करते हैं, अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसका क्या सलूशन है, वो आज सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इसे सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब पर क्लिक आप करेंगे, एक बेल का आइकन आएगा, बेल को पुश कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपको पासवर्ड मिल चुका है तो उस पासवर्ड को आपने अपने पास सेव रखना है या याद कर लेना है माइंड में, तो ये आपको वर्कशॉप्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो वर्कशॉप्स आपकी बेसिकली होंगी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर एक आगाही पोर्टल है जो ट्यूटर्स भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, उनको अलग से एक लिंक दिया गया था, वो उनसे यूनिवर्सिटी वाले कारामद नहीं बना सके, टीम शायद काम नहीं कर सकी कोरोना की वजह से। तो जो है ना, आपने एडमिशन फार्म्स, इंस्टॉलमेंट की ड्यूज, सारा कुछ वो आपने वहाँ से किया होगा, आप बखूबी आगाही पोर्टल से वाकिफ होंगे। वहाँ पर जाके आपने अपना लॉग इन होना है, आपका जो यूज़र नेम है वो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है और उसके बाद पासवर्ड जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास मौसूल हो चुका है वो है। अगर आपके पास पासवर्ड मौसूल नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, आपने करना यह है कि आप अपने रीजनल कैंपस में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, ईमेल उनको करें। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास नहीं है तो वो आप गूगल में अपने इलाकाई दफ्तर से का नाम लिख के उनका ईमेल एड्रेस भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं। अगर ये ईमेल करने और फ़ोन करने के बावजूद आपको दो दिन तीन दिन के अंदर पासवर्ड मौसूल नहीं होता तो अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंप्लेंट सेल में जाकर आप वेबसाइट से कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उसका आपको सलूशन बता दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड मिल चुका है, सारा कुछ हो चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने जाकर लॉग इन होना है। उसके बाद आप को कैमरे की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑडियो से अपनी वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं और चैट के ज़रिए अटेंड कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप पोस्ट करेंगे, या अगर आप सुनना चाहते हैं लेक्चर्स तो आप वो हैंड फ्री को यूज़ करते हुए, ब्लूटूथ को यूज़ करते हुए आप अपने लेक्चर्स सुन सकेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर जब आप लॉग इन होंगे आपको टाइम भी बता दिया जाएगा, आपकी डेट भी आई हुई है, अपलोडेड है। तो आगाही पोर्टल जिन क्लासेस की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है उनके जो लिंक्स हैं ना वो वर्किंग में आ रहे हैं। जब भी आपकी डेट आएगी आप लॉग इन करेंगे तो आपको अपना आईडी कार्ड, पासवर्ड सब वर्किंग में मिलेगा और आपको लेक्चर सुनने होंगे और आपने अटेंडेंस लगवानी होगी। तो ये तरीकाकार हो गया कि वर्कशॉप आप किस तरह अटेंड कर सकते हैं। और ये वर्कशॉप आपके के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट्स की वर्कशॉप पहले से मिसिंग है तो वो अभी से जाके अपने रीजनल कैंपस में फार्म इंटरनेट से, वेबसाइट से, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डाउनलोड करके आप अपने ड्यूज पे करके आप उसकी रसीद अगर जा सकते हैं तो रीजनल कैंपस में बराह रास्त जमा करा दें, नहीं तो आप कोरियर करके भी उसकी रसीद भेज सकते हैं कि सर ये दरख्वास्त भी साथ रखें कि सर ये हमने ड्यूज जमा करा दिए, वर्कशॉप हमारी मिशन थी, तो बराह मेहरबानी हमें वर्कशॉप अटेंड करने की एक्सेस दी जाए। तो आपको पासवर्ड दिया जाएगा, इस तरह से आप जिन लोगों की वर्कशॉप मिसिंग है वो अपनी वर्कशॉप बगैर किसी मसले के सिर्फ ड्यूज जमा करा के घर पर अटेंड कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ऑनलाइन वर्कशॉप का प्रोसेस समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। तो इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे। शेयर।